गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आपको ये सीरीज जो है हमारी ऊटी की ट्रिप बहुत पसंद आ रही होगी। वेल, फिलहाल ये आज हमारा सेकंड लास्ट डे है इधर पे, एंड आज के लिए हमने कोई भी जगह विजिटिंग के लिए नहीं रखी है। आज का दिन हमने स्पेशली शॉपिंग के लिए रखा है, एंड विल गो टुडे टू ऊटी मार्केट, और वहाँ पे हम जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत सुवेनियर और जो भी यहाँ की यादें हैं वहाँ से लेंगे, और यहाँ का जो फेमस चीज़ें हैं लाइक नीलगिरी ऑयल, चॉकलेट्स एंड ऑल, सो हम वो आज शॉपिंग करेंगे। एंड और आपको हम आज का आज मार्केट दिखाएंगे, और ऑल्सो दिखाएंगे कि उनके प्राइजेस रेंज क्या है। सो इन केस इफ़ यू आर कमिंग हियर, सो आप वो सब ले सकते हो, एंड एटलीस्ट यू विल नो व्हाट आर प्राइस रेंजेस आर देयर। तो अभी ब्रश व्रश करके मैंने जस्ट कॉफ़ी पिया है, सो आई जस्ट गो एंड हैव ब्रेकफास्ट, एंड देन विल गेट रेडी, एंड देन विल गो टू ऊटी मार्केट एंड विल शो यू प्लेसेस अराउंड ऊटी मार्केट। ऑलराइट ऑलराइट गुड मॉर्निंग। ऑलराइट साइड गाइस, अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लिया है, वी हैव गॉट रेडी, और अभी हम कार में बैठे हैं एंड वी आर हेडिंग टू ऊटी मार्केट। सो जो भी हम वहाँ से लेंगे आपको दिखाएंगे, और क्या प्राइसिंग है वो सब भी आपको बताएंगे। सो वी हैव अ प्लान अराउंड लाइक 2 आवर्स के अंदर हम जितना भी कवर कर सकें, एंड देन विल हेड बैक टू होटल, एंड आफ्टर दैट अगेन इन द इवनिंग विल गो, बिकॉज और भी कुछ हैं जो हमें लेना है, एंड थोड़ा सा यू नो जो ओनर है उनके साथ बात भी करनी है रिगार्डिंग यू नो ही हैज़ अ फैक्ट्री हियर, सो वी वुड बी सीइंग हिज फैक्ट्री ऑल्सो, और उनका एक एडवेंचर स्पोर्ट्स आई मीन लाइक एडवेंचर कैंप जैसा है जो कि ईगल डेयर्स करके बोला जाता है, विच इज़ वेरी फेमस इन ऊटी। तो उसके बारे में हम देखेंगे, एंड वी इफ वी गेट टू यू नो डू सम एडवेंचर तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉर ऑल लेट्स गो टू ऊटी मार्केट। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहली जगह रुके हैं जो कि एक चॉकलेट म्यूजियम है। यहाँ पे आप चॉकलेट खरीद भी सकते हैं, इट्स क्वाइट फेमस इन ऊटी। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आप देखिए इसको, चॉकलेट म्यूजियम जो कि मैसूर रोड में है नियर HPF गेट ऊटी। अभी जो इनके जो ओपनिंग का टाइम है वो 9:30 है, और हमको थोड़ा हम 9 बजे के आसपास यहाँ हैं इधर पे, और उन्होंने बोला कि जस्ट गिव अस 15 मिनट्स और वो फिर ओपन करेंगे, देन वील गो इनसाइड एंड वील सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू टेक फ्रॉम हियर। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चॉकलेट म्यूजियम है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मित्र में, यहाँ पे चॉकलेट कैसे प्रोसेस होता है और क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसमें ये सब दिखाया गया है, देन थोड़ा सा म्यूजियम जैसा भी है इधर पर, एंड इट्स सिंस 1942, सो बीन टू बार अराउंड द वर्ल्ड जो बीन टू चॉकलेट्स रहते हैं। अब यू कैन सी दिस, ये इनकी जो मशीन है, सो इंक्रीज ऑफ आई मीन क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, आई मीन लाइक नॉट साइड इफेक्ट बट गुड इफेक्ट्स ऑफ चॉकलेट्स, ये सब दिखाया इधर पे। ये कोको नेप्स, कोको पाउडर, कोको बटर, मिल्क पाउडर, केन शुगर, पाम शुगर और कोकोनट शुगर, सो यू कैन सी दीज मशीनरीज, चॉकलेट्स, एवरीथिंग। And the best part is that you can see that they have got so many flavors of tea. So one is elaichi, then you have green tea, then ginger, special tea. The special tea has a very fine granules, you can have it, it's very strong. You have broken orange, you have lemon, you have chocolate as well, green tea. So the thing is, you can also find a lot of oils here, which is lemongrass oil, nilgiri oil, this is eucalyptus oil, and a lot of other oils that you can see. If you have joint pains and anything like that, so you have this gautari oil, and this is very good, you can actually use it. And rest of the things are spices, aap yahan pe bhi dekh sakte hain. Chocolates, they have more. So if you want any chocolates, you can have it from here.
सो हम यहाँ पे आके ये सब ले रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये गौत्री ऑयल है जिसकी प्राइस अराउंड 190 है। एंड देन यू हैव दिस यूकेलिप्टस ऑयल विच इज 260। एंड देन यू हैव गॉट चॉकलेट, लेमन एंड ब्रोकन ऑरेंज। ओके टी, सो हम ये अभी यहाँ से सोर्स करेंगे और फिर यहाँ पे क्रॉसिंग चर्निंग क्रॉस करके एक जगह है, आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड चर्निंग क्रॉस और नॉट, बट दैट्स हाउ एग्जैक्टली द प्लेस नेम इज़, बट वो मैं सही बताता हूँ आपको। तो अब हम उधर जाएंगे एंड देन वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे हमको वार की बिस्किट्स लेनी थी। इट्स काइंड ऑफ अ लोकल शॉप, आई मीन छोटा सा शॉप है, कुछ तो फेमस नहीं है, बट यहाँ से हम जैसे गुजरे खुशबू बहुत ही अच्छी आई थी एंड दे हैव मेड इट वेरी यू नो फ्रेश, सो हमने सोचा यहाँ पे आके ले। यू कैन सी फॉर देम वार की 1 kg इज 180 और फिर बाकी के जो बिस्किट्स है 200 एंड ब्रेड 35 एंड 110 रुपीज। सो दिस इज MJR बेकरी वार की बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग। I mean this is not a big shop though, but still I think this is something that you can get original because they bake it over here, so I think that would be nice if you come here. We've also got a lot of variety of chocolates if you want. I think these are all homemade buns and everything. All right, so these are our packets. So we took 2 kgs of Varki biscuits from here. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, ऑयल्स ली। देखिए ये जगह जो है नीलगिरी प्रोडक्ट्स और नीलगिरी पैलेस विच इज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड और फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। अभी हम चॉकलेट फैक्ट्री में जाएंगे इधर पे और यहाँ से चॉकलेट्स उठाएंगे एंड देन वील हेड बैक टू होम। सो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें मैंने सोर्स कर ली और काफ़ी चीज़ें खरीद ली है, सो बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वी गोना स्टॉप नाउ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मैंने थ्रो लिया है विच कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़, और एक बेल है और यू नो एक फोटो फ्रेम है जो कि हम लोग अभी खींचेंगे और उसमें डालेंगे। एंड देन यू हैव दिस टोड़ा विलेज में जो घर बने रहते हैं वैसा है, और सुवीनियर के लिए टी शर्ट है, और एक बहुत सारी बेस्ट चीज़ आप देखेंगे, ये पूरा एक पाइन ट्री जैसा आपको दिखता है, और ये हमने बॉटनिकल गार्डन के बाहर कुछ बंदे थे वो पेंट कर रहे थे उनसे हमने लिया। टीज के पैक्स तो आपने देख ही लिए कि मैंने म्यूजियम से उठाए। सो ये जो चीज़ें हैं, जो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैंने नेटिव करके एक शॉप है जो कि ऊटी के रेलवे स्टेशन पे ही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये कप मेरे को बहुत पसंद आया, उनके पास था यहाँ पे नीलगिरीज करके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़, आप क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या अट्रैक्शन है। देखिए बॉटनिकल गार्डन है जो कि कोतागिरी है, फिर और टॉय ट्रेन, मेट्रोपोलियम, कन्नूर, और ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने सोचा कि ये हम ले लेते हैं, तो हमने ये एक ले लिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे वहाँ पे दिखी, ये लोकली आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इसमें एक्चुअली क्या करने का, आपको थोड़ा सा गर्म तेल करके, नारियल तेल जो रहता है उसको गर्म करके इसके अंदर डालने का, और उसका जो कलर हो ना रेड हो जाएगा, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस बंदे ने बोला था कि, एंड ये शायद बोलते हैं कि पूरी नीलगिरीज में जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और जितने भी चीज़ें मिलती हैं उस सबको मिक्स करके बनाया, तो आई थिंक दैट्स रियली नाइस। सो ये एक बड़ा वाला है और ये एक छोटा वाला हम लोग ने पाइन लिया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सोर्स्ड। सो आई थिंक आप जब जाएंगे तो आप भी ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और या ऑयल्स की जो मैं बात कर रहा था, लेमन ग्रास ऑयल लिया है मैंने जो कि एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। यूकेलिप्टस ऑयल, एक और यूकेलिप्टस ऑयल मैंने बहुत सारे लिए हैं और अभी बहुत सारे फैमिली मेम्बर को देने हैं। चॉकलेट्स और बाकी सारी चीज़ें मैंने गाड़ी में ही रखी है, उनको नहीं निकाला है। सो दिस इज़ इट, इतना ही सारी हमने शॉपिंग की है और कल हम निकलेंगे यहाँ से अपने घर के लिए जो कि है मुंबई। No time for the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss that fact. Taking big swings, hand me the bat.
put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories. Hey guys, हम लोग की शॉपिंग हो गई और 4 बजे हम लोग you know, होटल पहुंच गए थे. But we were all tired, so हम लोग सो गए. और अभी मैं उठा हूं. And द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे को ओनर का फ़ोन आया, आई मीन लाइक द होटल ओनर का. और उन्होंने बोला कि एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बींग अ नाइस गेस्ट, वो लोग हमको यू नो कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दे रहे हैं. एंड दैट वॉज रियली नाइस एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड इन फेवर मैंने उनके यू नो रिसोर्ट का और होटल का एक छोटा सा वीडियो बनाया, उनको फॉरवर्ड किया है. एंड ही रियली लाइक्ड इट. एंड आई थिंक as a good gesture he is giving us a you know a free dinner. So I think hum jayenge dinner karenge aur uske baad aaj ka day yahi end karenge aur kal hamari journey shuru hogi towards Navi Mumbai. The Pandit Vlog.